अटीवा में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे आमरण अनशन को नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने जूस पिलाकर समाप्त कराया। आपको बता दें, आज परिवर्तन रैली में खटीमा पहुंचने से पहले नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ सहित जसपुर विधायक और कई कांग्रेसी नेता डिग्री कॉलेज पहुंचे, जहां आमरण अनशन पर बैठे छात्र नेता दीपक सिंह मुड़ेला और चांद अंसारी को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया गया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीरज सिंह कल्याण ने नेता प्रतिपक्ष को पांच सूत्रीय मांगों से अवगत कराते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपा, तो वहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ ने छात्र छात्राओं की मांगों को सदन में उठाने की बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के खटीमा का होने के बावजूद भी छात्र छात्राएं अनशन पर बैठे हैं और छात्र छात्राओं की उपेक्षा हो रही है, जो कि गलत है। खटीमा से केदार सोनकर की रिपोर्ट। सारे छात्रों को जब प्रवेश की मांग है सरकार को क्या लेना चाहिए, सरकार द्वारा छात्रों की मांग है, कोशिश करके प्रयास करें।